क्या भाई साहब, हेलो, मजाक कर रहा है यहाँ पे, पुलिस को बुला लो। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। मैं हूं योगराज और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव योगराज। और आज के इस वीडियो में गाइस हम देखने वाले हैं अगोडा फोर्ट, जो कि है गोवा में। ये है अगोडा फोर्ट का पार्किंग एरिया। स्कूटी पार्किंग का चार्जेस है यहां पे 50 रुपए। अगोडा फोर्ट का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक। फोर्ट के सामने है कुछ शॉप्स, जहाँ से अगर आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। अगोडा फोर्ट का टिकट प्राइस है इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ पर पर्सन, फॉरनर्स के लिए 300 रुपीज़ पर पर्सन। टिकट लेने के बाद आप चल रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ देख सकते हो ये है ड्रिंकिंग वाटर। तो टिकट लेने के बाद अगोडा फोर्ट के आ चुके हैं यहाँ पर। देन यहाँ से हम जाएंगे अगोडा फोर्ट के अंदर। ये है मेन एंट्री गेट जहाँ आपकी टिकट चेक होगी। यहाँ से रास्ता देख रहे हो गाइज आप लोग, ये है जेल, जेल का रास्ता, अगोडा जेल का रास्ता। और ये कुछ इस तरीके का है, ये है मेन एंट्रेंस अगोडा फोर्ट में अंदर जाने के लिए। अंदर एंट्री कर दी है हम लोगों ने। इधर है ऊपर जाने का रास्ता, एक रास्ता इधर है। सो पहले इधर वाले पे चलते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग ऊपर की तरफ। पहले यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता था, बट अभी इस टाइम उसको बंद किया हुआ है। तो यहाँ से रास्ता था यहाँ से नीचे जाने का, देन फिर वहाँ से उतर के, और जो सामने वो आप देख रहे हो, वहाँ से उतर के ऐसे नीचे पानी में चले जाते थे, समंदर में, जहाँ पे बोट वगैरह होती थी वहाँ पे, तो उससे हम क्रॉस कर सकते थे इसको। सीढ़ी से आने की बजाय अगर इधर से आते हो तो आप निकलोगे यहाँ पर आकर इस फील्ड में। तो अभी मैं सीढ़ी से आया हूँ तो यहाँ पर निकला हूँ, आगे जाऊँगा एंड आगे जाके फिर उतर के नीचे आऊँगा। अगोडा फोर्ट का निर्माण 1609 में शुरू किया गया था और इसका निर्माण कार्य 1612 में पूरा हो गया था। अगोडा फोर्ट को बनने में टोटल 3 साल का समय लगा था। अगोडा फोर्ट गोवा की राजधानी पंजिम से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। उधर चल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। अगोडा फोर्ट गोवा में है, जो कि पुर्तगाली वास्तु का एक नमूना है। अगोडा फोर्ट में अंदर एंट्री करने के बाद जस्ट उसके पास में आप ये देखिए, यहाँ से रास्ता है अंदर जाने का, बट यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ से गया था मैं ऊपर, देन यहाँ से निकल के आ गया हूँ रिटर्न। यह है एग्जिट गेट। भाई क्या प्राइस होता है बोट का? 350 सर। 350। कितना टाइम? 45 मिनट्स की राइड, 350 रुपीज़ पर पर्सन। कहाँ तक लेके जाते हैं? बीच से अंदर से। ओके। 5 पॉइंट दिखाएं। लोअर फोर्ट अगोडा, ये है इसका पार्किंग एरिया एंड यहाँ पे भी पार्किंग चार्जेस है 50 रुपए। अगोडा फोर्ट देखने के बाद अब आ गया हूँ लोअर फोर्ट अगोडा देखने के लिए। ये है लोअर फोर्ट अगोडा, चलिए देखते हैं चल के कि कैसा है ये। तो सुबह के 10 बज चुके हैं और मैंने राहिल्स बाइक एंड कार रेंटल की स्कूटी जो है वो रिटर्न कर दी है। ये रही अपनी स्कूटी 819। तो आज का मेरा प्लान था दूध सागर वाटरफॉल जाने का, बट प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि दूध सागर वाटरफॉल जाने के लिए आपको सुबह 6 बजे कुलेम स्टेशन पहुँचना पड़ता है और सुबह 7 बजे से ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। बट मैं पहुँच पाया हूँ अभी कलंगुट बीच पर और टाइम हो चुका है सुबह के 10, तो इस वजह से मेरा जो प्लान है वो कैंसिल हो गया है दूध सागर वाटरफॉल जाने का। तो फिलहाल चलिए देखते हैं कि इस टाइम कलंगुट बीच और बागा बीच के क्या हाल हैं। अरामबोल बीच के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि कलंगुट बीच पे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और बोट वगैरह भी हैं यहाँ पे नॉर्मल। देख पा रहे हो अभी कोई बोटिंग वगैरह वाटर स्पोर्ट्स जो होता है वो अभी हो नहीं रहा है, बट जल्दी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है वाटर स्पोर्ट्स। काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं बीच पे अभी।
मैं आ चुका हूँ गाइज इस टाइम पे कलंगुट बीच पर। मेरे बैक साइड में है बागा बीच, और कलंगुट बीच और बागा बीच पे आपको अभी काफी सारी भीड़ देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि गाइज यहाँ से जितने भी ज्यादातर लोग आते हैं वो इन बीच पे जो लोग होते हैं वो होते हैं सारे अपने इंडिया के। वहीं अगर आप जाते हो आराम बोल बीच पर तो वहां पे आपको ये वाली भीड़ देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि गाइज वहां पे जो लोग होते हैं वो सारे फॉरेनर वगैरह होते हैं जो पानी में जाने के लिए एक्साइटेड है ना। भाई साहब क्या, भाई साहब हेलो, मजाक चल रहा है यहाँ पे, पुलिस को बुला लो। ओ भाई साहब हेलो, देखिए समुंदर ही है, ये कुत्ते वाला स्विमिंग यहाँ पे नहीं चलेगा। हाथ में लग रहा है समझ गए, इसीलिए खुद को हीरो मत समझिए। बागा बीच के लास्ट वाले पॉइंट पे आने के बाद इधर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये सारा एरिया जो है वो फिश वालों का है। आप देख सकते हो फिश पकड़ के लाए हैं ये लोग। सामने एक चर्च है छोटा सा, इधर का जितना भी एरिया है ये सारा है बीच। तो यहाँ तक आप लास्ट तक चले जाइए, कलंगुट बीच तक सारा आप घूम सकते हैं। ये है द्वारिका प्योर वेज रेस्टोरेंट का न्यू मेन्यू कार्ड। अगर आपने होटल लिया है बागा बीच और कलंगुट बीच के आसपास और आप ढूंढ रहे हैं एक बेस्ट प्योर वेज नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, अगर आप दिल्ली से आए हैं, आप यूपी से आए हैं, द्वारिका, मथुरा, कहीं से भी आप आए हैं गोवा घूमने के लिए, तो आपको पसंद होगा नॉर्थ इंडियन फूड। तो ये रेस्टोरेंट जो है गाइस, ये है प्योर वेज रेस्टोरेंट और नॉर्थ इंडियन का रेस्टोरेंट है अपने द्वारिका का। तो ये रेस्टोरेंट गाइस आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको प्योर वेज खाना पसंद है आप इस रेस्टोरेंट में आ सकते हो। इनका जो प्राइस होता है वो भी गाइस काफ़ी कम होता है, और जो फूड होता है गाइस वो एकदम ऑसम होता है।